नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के मतदान से। जी हां, उत्तर प्रदेश में कल पांचवें चरण का मतदान है। और पांचवें चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी को लेकर खबर सामने आई कि राहुल गांधी अचानक कैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री की। दरअसल सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें, राहुल गांधी के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। उन्हें उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव, वहां पर प्रचार प्रसार करने गए थे, पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने गए थे। इसके अलावा गोवा, मणिपुर, यहाँ की जो जिम्मेदारी वो राहुल गांधी के कंधों पर थी। तो यही वजह है कि राहुल गांधी काफी बिजी थे, उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाए। लेकिन पांचवें चरण के मतदान से पहले बहुत कुछ खबरें निकलकर सामने आई। खबर ये है कि पांचवें चरण की जो वोटिंग होगी वो इस बार मुद्दों पर हो रही है। और अभी तक पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की जो वोटिंग हुई है वो भी मुद्दों के आधार पर हुई है। तो मौजूदा समय के ये हालात हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जनता इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फोकस कर रही है तो वो मुद्दा है। और जाहिर सी बात है, मुद्दों पर जिस तरह से फोकस हो रहा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि आज बहुत बड़े हद तक क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आज बहुत बड़े हद तक परिस्थितियां बदलती नजर आ रही है। मौजूदा समय के हालात साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता अब समझ चुकी है, धर्म और जाति की राजनीति को परे कर रही है, धर्म और जाति की राजनीति को अलग करते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही है। और जिस तरह जनता आगे बढ़ रही है, इसका साफ मतलब यह है कि जनता अब बदलाव चाहती है। जनता जिस तरह बदलाव की बात कर रही है, इससे मोदी और योगी सरकार डरी हुई है। हालांकि पांचवें चरण का जो मतदान है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुबह से एसपीएन न्यूज लाइव कवरेज करेगा। तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों को बताएंगे और साथ ही चुनाव से जुड़ी हर अपडेट भी उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।